हेलो बच्चों, सो आई अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन आर ऑनगोइंग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कैसे एक रोटेटिंग रॉड में ईएमएफ डेवलप होता है जो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है। इसी तरह से उसी रोटेटिंग रॉड में जो सेकंड केस होता है जो हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी ये करेंगे कि अगर मैं एक रॉड बना देता हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, अगर मैं इफ आई ड्रॉ अ रॉड, ठीक है, तो इफ आई रोटेट इट बाय सेंटर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, अगर मैं सेंटर पे उस रॉड को हिंज कर देता हूँ, देन What will happen? अगर मैं यहाँ पर बच्चों रॉड बना देता हूँ, ये सी दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बना दी है, तो इफ आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड हियर एंड इफ आई रोटेट द रॉड फ्रॉम सेंटर इस तरह से, तो बताइए कितना ईएमएफ इसके अंदर डेवलप होगा। फर्क पड़ेगा बच्चों, फर्क बहुत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा फर्क बच्चों, देखो आप ध्यान से, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एक रॉड एक पर्टिकुलर कॉर्नर से घूम रही है तो उसकी कहानी अलग होती है। उसके अंदर जो एक ईएमएफ डेवलप होता है वो इस टाइप का होता है जिसकी वैल्यू होती है हाफ बी ओमेगा इनटू एल स्क्वायर। क्यों होता है मैंने पूरा डिस्कशन किया था। अब फर्क यहाँ पर इसलिए पड़ जाएगा बच्चों, आप देखो यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेते हो कोई सा, है ना, यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेते हो तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की साइड होगी, है ना, और यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लेते हो तो बच्चों आप देखो इसकी वेलोसिटी नीचे की साइड होगी। तो दोनों साइड आपको ईएमएफ पहले चेक करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसकी रॉड की जो सेंटर से हिंज है हमें पता है इसकी लेंथ L by 2 है और इसकी भी लेंथ L by 2 है, तो हम दोनों सेक्शंस पे बात कर लेते हैं, है ना। तो आप बताइए अगर एक सेक्शन पे रॉड ऐसी है तो आप बताइए जिस जगह से हिंज हो रहा है उस जगह अगर प्लस ईएमएफ आएगा तो मुझे पता है इसके आधा सेक्शन जो है, मतलब हिंज होने का जो इधर वाला सेक्शन है उस पर कैसे ईएमएफ डेवलप हो जाएगा बच्चों। अगर ये लेंथ L by 2 है तो मुझे बहुत बहुत अच्छे से पता है इसके अंदर एक ईएमएफ ऐसा डेवलप होगा। डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे अपन, ये माइनस ये प्लस, तो ये चूंकि L by 2 है तो मैं आराम से बोल सकता हूँ सर ये इवन ईएमएफ डेवलप होगा इस पूरी रॉड के अक्रॉस, पूरी मतलब हाफ जो रॉड है तो वो हो जाएगा हाफ बी इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा पूरी रॉड का कांस्टेंट है। देखो आपको ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा पूरी रॉड का कांस्टेंट रहेगा और L की जगह आ जाएगा बच्चों L by 2 का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, दिस इज ईएमएफ, लेट्स से, ठीक है। अब आपको पता करना है सर दूसरी रॉड में, तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड में तो मेरे ख्याल से रॉड सेम रहेगी, ईएमएफ क्यों रहेगा, ईएमएफ थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, तो मैग्नीट्यूड में बच्चों बिल्कुल सेम रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों, देखो आप समझ सकते हो मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर भी लेंथ L by 2 है ना, बाकी सब चीजें भी सेम है, बी भी सेम है, ओमेगा भी सेम, बट चैलेंज क्या है, चैलेंज सिर्फ एक है, चैलेंज ये डायरेक्शन। तो आप खुद सोचो बेटा इसके अंदर जो एक प्लस चार्ज होगा वो कैसे फोर्स फील कर रहा होगा, वी क्रॉस बी आप चेक करेंगे, वी क्रॉस बी फोर्स इधर लग रहा होगा तो प्लस इधर आएगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं बच्चों इसके अंदर रॉड के अंदर साहब जो ईएमएफ डेवलप होगा वो सर ऐसा होगा। थोड़ा सा पर इसको ये ऊपर वाला L by 2 है ना बच्चों, उसको मिटा देते हैं ताकि आपका ईएमएफ क्लियर हो जाए, है ना, ठीक है। तो ये आपका रॉड हो जाएगा और ये है, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये ई टू मान लेते हैं, और ई टू की भी वैल्यू कितनी रहेगी, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8। अब बताइए साहब आपसे पूछा पूरी रॉड में ईएमएफ, तो आप मुझे बताओ अगर मान लीजिए इस रॉड को वायर से वायर में कन्वर्ट कर दूं मैं, लेट से एक वायर है कंडक्टिंग और उसमें एक सेल ऐसा लगा है E1 और एक सेल आपका ऐसा लगा है E2, तो आप बताइए क्या होगा इसके अंदर नेट ईएमएफ। अगर मैं यहां से चलूं A से लेके B तक चलूं तो कितना होगा ईएमएफ, बहुत ईजी है सर, A से B के अक्रॉस वी ए लिखेंगे हम, है ना। जिन बच्चों को नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं ये सारे सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन में लगे हुए, और जिनको नहीं पता सब्सट्रैक्टिव एडिटिव वो KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज कर सकते हैं इन ओपन लूप कंडीशन। तो VA से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही अपन यहां से यहां जाएंगे तो आपको गेन मिलेगा, तो गेन मिलेगा तो प्लस E1 आ जाएगा, यहां से आ जाएंगे तो माइनस E2 मिलेगा, और जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो आपको VB मिल जाएगा, इजंट इट, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो वो E1 E2 क्या है जीरो हो जाएगा ये दोनों को, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ सर VA माइनस VB ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इस रॉड के अक्रॉस कोई भी ईएमएफ डेवलप नहीं होने वाला है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।